तो चलिए शुरू करते हैं। दो मैट्रिक्स का गुणा कैसे करते हैं आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। इसे पिछले वीडियो में मैंने दो मैट्रिक्स या तीन मैट्रिक्स जो भी है उसका प्लस माइनस जोड़ घटाव मैंने बताया था कैसे करना होता है। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे कि दो मैट्रिक्स को हम कैसे गुणा करते हैं। तो चलिए हम दो मैट्रिक्स को ले लेते हैं, 2 3 4 5, ठीक, और बी ले लेते हैं 5 4 3 2। तो इसको गुणा करने से पहले इसमें रूल होता है, दो तीन रूल आपको जानना होगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा लंबा रूल नहीं है। देखिए ये कितना 2 बाय 2 ऑर्डर का, ये भी 2 बाय 2 ऑर्डर का है। ये दोनों का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है, जब इसका फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसका जो कॉलम है 1 2, ये कॉलम फर्स्ट का कॉलम इक्वल होगा सेकेंड जो मैट्रिक्स है, सेकेंड मैट्रिक्स का रॉ। ये फर्स्ट का मैंने लिखा फर्स्ट का कॉलम, तो फर्स्ट का कॉलम हो गया 2 और इसका सेकेंड का रॉ, ये दोनों बराबर होगा तभी पॉसिबल है। अब इसमें देखिए 2 और 2, ये दोनों हैं 2 बराबर 2, इसमें इसका कॉलम 2 और रॉ भी 2, मतलब ये दोनों का हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब इसका ये मतलब है कि ये जो रॉ है फर्स्ट का रॉ और इसका कॉलम, ये कुछ भी रहा है डजेंट मैटर, ठीक है। मेनली जो है फर्स्ट का रॉ, फर्स्ट का ये जो कॉलम है 2 और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का जो रॉ है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी कोई भी मैट्रिक्स हम पॉसिबल है, तभी हम गुणा कर सकते हैं। अब जो गुणा करना, अब आया बात कि जब हम दोनों का गुणा, जब ये पॉसिबल है, जब ये दोनों सेटिस्फाई करता है 2 बाय 2 और 2 है रॉ कॉलम, इसका कॉलम इसका रॉ अगर 2 बाय 2 और 2 का है, तब जो हम दोनों का जो गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद जो नया मैट्रिक्स हमें जो सी मिलेगा इस दोनों को गुणा करने के बाद, वो कितना बाय कितना ऑर्डर का होगा हम यहीं से निकाल सकते हैं। तो इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का रॉ, ठीक, और सेकेंड का कॉलम, ठीक है, फर्स्ट का रॉ सेकेंड का कॉलम, ये दोनों का गुणा करने के बाद आएगा। लेकिन गुणा करने से पहले हमको ये रूल सेटिस्फाइड होना चाहिए, पॉसिबल तभी जब इसका फर्स्ट कॉलम जो भी है जितना भी रहे वो सेकेंड का रॉ के बराबर हो, इसका 2 है तो इसका 2, तभी ये गुणा पॉसिबल है। अब चलिए हम गुणा करके दिखाते हैं आपको, सिंपल सा गुणा है, आराम से गुणा कर सकते हैं, कोई ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है। इसमें गुणा करने का एक और तरीका है, मतलब तरीका यही है कि जो इसका रॉ है इसका कॉलम है इसी से गुना होगा, इसका रॉ इसका फर्स्ट रॉ इसका जितना कॉलम होगा सबके साथ बेराबारी करेंगे, मीन्स फर्स्ट के साथ फिर सेकेंड के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे इसका इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट और इस पहला एलिमेंट, ये दोनों का हम गुना करेंगे 2 गुना 5, और फिर इसका सेकेंड और इसका जो कॉलम का सेकेंड, ये दोनों का हम गुना करेंगे, तो 3 3 9 3 गुना 3, और ये दोनों का हम प्लस कर देंगे ऐड, ठीक है। सेम उसी प्रकार फिर इसका रॉ का इस कॉलम के साथ करेंगे, इस कॉलम के साथ, तो 2 को 4 के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 4 के साथ, फिर सेकेंड का सेकेंड के साथ, और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर ऐसे करके मैट्रिक्स में हम इसे रख देंगे, फिर इसको सेकेंड रो को भी ऐसा ही दोनों में, जैसे हम पहले फर्स्ट रो को दोनों कॉलम के साथ किए थे, उसी टाइप से सेकेंड रो को दोनों कॉलम के साथ करेंगे, तो 4 को 5 से, ठीक, और ये 5 को 3 से, और दोनों को ऐड कर देंगे, फिर इसको इसके साथ, तो 4 को 4 से और 5 को 2 से, ठीक है, और दोनों का ऐड। अब देखिए ये 5 दुनी 10, 10 प्लस 3 3 9, 4 दुनी 8 प्लस 3 दुनी 6, 4 5 20 और प्लस 5 3 15, और ये 4 4 16 और 5 दुनी 10, और दोनों को हम सिंपली जोड़ देंगे, 10 9 19, 8 6 14 20 15 35 और ये 26। ये देखिए 2 बाय 2 ऑर्डर का हमें निकल के आ गया, 1 2 1 1 2। हमने बताया थे यहाँ पे कि पहले ये जो रूल है ये पॉसिबल होना चाहिए, तभी गुना हो सकता है, ठीक है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा हो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो भी 11 12 का मैथ हम इस पर पढ़ाएंगे और 10th का भी,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।